एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आप बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल ज़ीबू सिंबल के बारे में। ज़ीबू सिंबल्स जो होते हैं इनको हम एंजेलिक सिंबल्स भी बोलते हैं एंड ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। सिंस आई एम इनटू रेकी, मैंने सिंबल्स की पावर को एक्सपीरियंस किया है एंड सिंबल्स जो है वो बहुत ही मैजिकल होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं एंड लिविंग एंटिटी आप उन्हें मान सकते हो, यानी कि वो जिंदा होते हैं लिटरली, यानी कि लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं। जैसे हम गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करते हैं वैसे ही सिंबल्स भी एज अ डीटी वर्क करते हैं। सिंबल्स जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं ना, आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए सिंबल्स अवेलेबल हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ीबू सिंबल के बारे में, यानी कि एंजेलिक सिंबल के बारे में। ये जो सिंबल है बेसिकली ब्यूटी के लिए है। तो चलिए जान लेते हैं इस सिंबल की डिटेल्स के बारे में। अगर हम इस सिंबल के नाम को देखें, इसका सिंबल का नाम है अरानी एंड किन किन कलर्स में इसे यूज किया जा सकता है, ब्लैक, पिंक, रेड एंड ब्लू। इसका जो जेम स्टोन है वो है लैपिस लजूली। अब बात कर लेते हैं सिंबल की, कैसे आपको ये हेल्प कर सकता है ब्यूटी में। ब्यूटी डजंट मीन कि आउटर ब्यूटी हो, फेस हो, दैट इज इट, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर हो, दैट इज नॉट जस्ट ब्यूटी, ठीक है। इनर ब्यूटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सिंबल है ये इनर एंड आउटर ब्यूटी आपको देगा पहली चीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। काफ़ी से लोग हैं जो हर एक सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, उनको उसके पॉजिटिव चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। तो जो सिंबल है ये उन लोगों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करेगा एंड सिचुएशन जैसी भी हो उसमें ब्यूटी ढूंढने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड काफ़ी ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव वर्क में है, फैशन डिजाइनिंग में है, या फिर उनका क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम है, जैसे कि पेंटर्स हैं, ठीक है। तो जो सिंबल है ये क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा एंड जो भी उनका काम होगा, जो उनका काम का आउटकम होगा उसमें ब्यूटी लेकर आएगा, तो वो लोग भी इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। स्पेशली मैं पर्सनली इसको एज अ ब्यूटी रेकी यूज करती हूँ, फेशियल रेकी मैं यूज करती हूँ, बट उसको हम ब्यूटी के लिए यूज करते हैं, स्किन के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारा जो फेस है वो और ग्लो करे, ठीक है। तो एक फेशियल रेकी नाम की हीलिंग होती है, तो मैं इस सिंबल को उसमें यूज करती हूँ। अगर आप लेवल 1 रेकी से भी अट्यून्ड हो तो आप अपने हाथ में इस सिंबल को बना सकते हो एंड अपने फेस पे कुछ देख ले रख सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये जो सिंबल है इनके लिए आपको किसी भी टाइप के अट्यूनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ये सिंबल कोई भी यूज कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस सिंबल को आप किस किस तरीकों से यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसे रेकी के साथ भी यूज कर सकते हो, आप इसे ब्यूटी के लिए यूज कर सकते हो, अपनी फेशियल ब्यूटी के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपकी विश है ब्यूटी या फिर स्किन से रिलेटेड या फिर कोई भी यू नो सेल्फ लव से रिलेटेड है या फिर यू नो इनर ब्यूटी से रिलेटेड है, आपने एक विश शीट बनानी है, पेपर लेना है, उस पर अपनी विश को लिखना है ब्लू पेन से कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा जो स्किन है वो ब्यूटीफुल हो चुका है। उस पे नीचे इस सिंबल को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसको फोल्ड करके अपने पास रख लेना है, अपने पिलो के नीचे रख के आप सो सकते हैं, अपने वॉलेट पे रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, इन शॉर्ट आप उसे अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रेकी से अट्यून्ड है तो आप इस चिट को डेली 5 मिनट्स के लिए हीलिंग दे सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास रेकी अट्यूनमेंट है तो आप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आपको रेकी आनी चाहिए, आप इसे वैसे भी यूज कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपके पास रेकी है तो आप इसको डेली हीलिंग देके अपनी स्किन या ब्यूटी से रिलेटेड विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आप इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बना सकते हैं, पेन से, नॉर्मल ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बनाएंगे, अपने माइंड में इंटेंशन देनी है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है, या फिर जो भी आपकी विश है, स्किन से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, जो भी आपकी विश है जो मैं आपको बताया है, आप उसको माइंड में रखते रखते इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। नेक्स्ट, अगर आप लोग यू नो ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक करते हुए आप इस सिंबल को वहां भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एफर्मेशन आप डेली लिखते हो तो आप इसे वहां ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये वैसे भी काम करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि आप इसे एज अ ब्यूटी स्पेल भी यूज कर सकते हो। आपने बे लीफ लेनी है, उस पे इसको सिंबल को ड्रॉ करना है, होल्ड करना है, जो भी आपकी विश है ब्यूटी से रिलेटेड आपने उसको विजुलाइज करना है, बे लीफ को बर्न कर देना है एंड इसकी एशेस को हवा में ब्लो कर देना है, ये एज अ बे लीफ स्पेल भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आप इसे अपना फोन का वॉलपेपर भी बना सकते हैं, ये आपको तब भी हेल्प करेगा।
अब बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की. आपने सिंपली क्या करना है, मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, सिंपली इस सिंबल को विजुलाइज करना है. एंड इस सिंबल को विजुलाइज करने के बाद अपनी इंटेंशन को, ब्यूटी से रिलेटेड इंटेंशन को विजुलाइज करना है डेली आपने. एंड देखना है जो भी आपके स्किन गोल्स हैं, हेयर गोल्स हैं, वेट रिलेटेड है, कुछ भी आपने विजुलाइज करना है. जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी, आपकी स्किन है वो ऑलरेडी क्लियर है, ब्यूटीफुल, आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपकी ब्यूटी से लोग मेसमराइज हो रहे हैं, आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं. आप डेली ऐसे 5 से 10 मिनट्स मेडिटेशन कर सकते हैं, ये तब भी आपके लिए काम करेगा. तो ये जो सिंबल है, ज़ीबू सिंबल है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है. और ये एंजेलिक सिंबल है, ये जो सिंबल है ये बहुत ही पावरफुल है, इसमें एंजल्स की पावर है. ठीक है, आप इसे यूज करके देखिए. अदरवाइज आप एक और चीज कर सकते हैं, आप इसको यू नो जहां भी आप बैठते हो, आपका ऑफिस है, आप जहां मैक्सिमम आप अपना डे स्पेंड करते हैं, आपने क्या करना है, पिंक पेन से इस सिंबल को ड्रॉ करना है और अपने सामने लगा के रख लेना है. ये तब भी आपके लिए काम करेगा. ये सिंबल बहुत ही पावरफुल है, पर बहुत ही सिंपल सा सिंबल है, बट ये बहुत ही अमेजिंग है. ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. ब्यूटी इज नॉट समथिंग लाइक आउटर, इनर भी मैटर करती है. तो आप आउटर एंड इनर दोनों को इस सिंबल से मैनिफेस्ट कर सकते हैं. कोई भी आपके स्किन इशूज हो, हेयर इशूज हो, या फिर वेट का इशू हो, कुछ भी हो, आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं. एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जब भी आप यू नो वेट लॉस या फिर ऐसा कुछ वेट गेन से रिलेटेड यू नो स्पेल वर्क करते हो, रिचुअल्स करते हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अपनी इंटेंशन को बिल्कुल यू नो अपने माइंड में क्लियर रखें कि आपको किस तरीके से वेट लूज करना है. काफी लोग ऐसे हैं जो सिंपली कहते हैं कि बस हमारा वेट लूज हो जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े. तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा एंड में लगा देना है कि अच्छा एंड हेल्दी वे में हो. कई बार लोग यू नो हेल्थ इश्यूज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं वेट लॉस स्पेल्स में, लोग मोस्टली हेल्थ इश्यूज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, काइंड ऑफ बैकफायर हो जाता है. तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है. अदरवाइज ये सिंबल बहुत ही पावरफुल, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच, बाय.